मैं किचन से तो चलिए आज हम बनाते हैं चाइनीज रेसिपी एकदम देसी स्टाइल में जिसका नाम है चिकन चिली सो चलिए शुरू करते हैं सादा यानी ऑर्डनरी इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चाइनीज रेसिपी बनाते हैं चलिए ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन है थाई पोर्शन है आप चाहे तो प्रेस पोर्शन भी ले सकते हैं मीडियम पीसेस हैं आप स्मॉल पीस भी कर सकते हैं और इसकी चर्बी निकाल ली है मैंने दो तीन पानी से धो के तारने के लिए छन्नी के ऊपर दस पंद्रह मिनट के लिए मैंने साइड पर रख दिया था अब इसे एक बाउल में डाल दीजिए इसके अंदर आधा छोटे चेका चम्मच नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार डालिएगा आधा छोटे चेहका चम्मच काली मिर्चों का पाउडर आधा छोटा चेहका चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तीन या साढ़े तीन मैं यहाँ साढ़े तीन टेबल स्पून डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च मैं पूरा भरकर नहीं ले रही हूँ कॉर्नफ्लावर जैसे कहते हैं एक छोटे चेहका चम्मच विनेगर एक छोटे चाय का चम्मच रेड चिली सॉस और एक छोटे चेका चम्मच सोया सॉस एक अंडा फोड़कर डाल दीजिए दो छोटे चाय का चम्मच अदरक लहसन का पेस्ट सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए मैं थोड़ा सा फूड कलर भी डाल देती हूँ सो दैट थोड़ा वाइब्रेंट रेड कलर आएगा तंदूरी फूड कलर डाल देती हूँ अब आपको नहीं डालना तो टोटली स्किप कर सकते हैं इसे अच्छा अब मुझे थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है ना थोड़ा सा पतला लग रहा है यूजली मैं आधा या किलो का जब चिकन का बनाती हूँ ना उसमें एक अंडा डालती हूँ लेकिन अभी तीन ग्राम में आधा अंडा कहाँ से डालूंगी ना तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ सारा पूरा एक अंडा तो डाल ही दिया अब एक्स्ट्रा यहाँ पर जो कॉन्स्टाच यानी कि कॉर्नफ्ला है मैं यहाँ एक्स्ट्रा और डाल रही हूँ तो दो टेबल स्पून मैंने यहाँ भरकर डाला है तो टोटल तो मैंने पांच साढ़े पांच टेबल स्पून भरकर कॉन्सटाच यानी कॉर्नफ्लावर डाला है इसे भी डालकर बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ आप चाहें तो आधे घंटे एक घंटे के लिए फ्रिज में ढाक कर मैरिनेट करने रख सकते हैं या फिर आप इसी समय आगे प्रोसीड कर लें चूल्हा मैंने फ़ास्ट आंच पर चालू कर दिया था कढ़ाई में तेल डालकर और अच्छा गर्म हो गया तो मीडियम आंच कर दीजिए और पिस रेम बोलकर वेल कोटेड चिकन पीसेज एक एक लीजिए अच्छा वेल कोट करते हुए इस जो हमारी गर्म गरम तेल है उसमें डाल दीजिए और इसे पहले तो आधे एक मिनट तक चलाइएगा मत जब आधा एक मिनट हो जाए तो उलट पलट करते हुए तकरीबन समझिए ना छः साढ़े छः मिनट तक उलट पलट करते हुए पका लीजिए हमारे चिकन पीसेस को तो अंदर से भी गल जाएंगे बाहर से भी क्रिस्पी होंगे और जब अच्छे गल जाएँ और बाहर से हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने लगे और छः मिनट साढ़े छः मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दीजिए मैं छन्नी के ऊपर रख रही हूँ टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा नहीं तो सॉगी हो जाते हैं इसी तरीके से सारे जो चिकन है वेल कोट करते हुए डालिए हमारे तेल के अंदर और उसे फ्राई कर लीजिए अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है जैसे 500 से 600 ग्राम के दरमियान की चिकन ले रहे हैं आप तो सारी क्वांटिटी आप जो मेजरमेंट्स है वो सारे डबल कर दीजिए बस ये है कि जो आप अंडा डालेंगे मैरिनेशन में वो एक ही डालिएगा और कॉर्न स्टार्च है ना सिर्फ छः टेबल स्पून पहले डालकर मिक्स कर लीजिएगा फिर अगर आपको लगे तो ज़्यादा डाल दीजिएगा चलिए ये बन चुके हैं हमारे चिकन के पीसेस बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार और डिलिशियस आप ऐसे ही खा लें तो भी अच्छे लगते हैं अब बढ़िया सी चिली ग्रेवी बना लेते हैं इसके लिए एक सबसे पहले बाउल के अंदर आधा कप पानी डाल दीजिए एक टेबल स्पून भरकर कॉर्नस्टार्च डालकर मिलाकर ये स्लोरी साइड पर रख दीजिए अब एक फ्राई पैन के अंदर तेल डाल दीजिए मैं वही तेल ली हूँ जिससे मैंने चिकन को फ्राई किया है चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए इसमें एक छोटा छाटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल दीजिए एक टेबल स्पून कटा हुआ लहसुन एक हरी मिर्ची भी डाल दीजिए और इसे मीडियम आंच करके बार बार चलाते हुए आधे मिनट तक फ्राई कर लीजिए जब आधा मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ दो तीन स्प्रिंग ऑनियंस यानी कि हरी प्याज की पत्ती की जो प्याज थी वो मैंने बारीक काट कर डाली है इसे भी डालकर एक मिनट तक फ्राई कीजिए मैंने चूल्हा स्लो किया है क्योंकि मेरी जो फ्राई पेन है ना जल्दी गर्म हो जाती है एक मिनट के बाद यहाँ पर मैं डाल देती हूँ प्याज एक मीडियम साइज़ की मोटी मोटी कटी हुई क्यूब शेप के अंदर अच्छा मैंने तीन टाइप के शिमला मिर्च लिए आधे आधे उन्हें भी मैंने क्यूब शेप में यानी मोटा मोटा थोड़ा सा काट लिया है ये तीनों चीज़ डाल देती हूँ और मैं इन्हें मैं स्लो आँच पर कर रही हूँ आप मीडियम आंच पर कीजिएगा मैंने जैसे कहा मेरी फ्राई पेन की वजह से थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल दीजिए मैंने वन फोर्थ वन फोर्थ छोटा छह का चम्मच डाला है मिक्स कर लेती हूँ और इसे तकरीबन समझिए ना दस बीस सेकेंड ही फ्राई करना है जब दस बीस सेकेंड हो जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए अब इसमें डाल दीजिए तीन टेबल स्पून टमाटर सॉस एक टेबल स्पून रेड चिली सॉस मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है आप कोई भी डाल सकते हैं एक छोटे चाय का चम्मच मैंने यहाँ सोया सॉस डाला है क्योंकि मेरा डार्क था मैंने एक छोटा चाय का चम्मच डाला है अगर आपका नॉर्मल वाला हो तो आप डेढ़ से दो छोटे चाय के चम्मच भी डाल सकते हैं चूल्हा मैंने मीडियम कर लिया है और इसे चलाते हुए तकरीबन तब तक पकाएं जब तक थोड़ा सा इसमें उबाल टाइप ना आ जाए थोड़ा सा उबाल टाइप आने लगे तो जो हमने स्लरी बना के रखी है कॉर्न स्टाच यानी कॉर्नफ्लार की ये भी डाल दीजिए मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा इसमें हल्का उबाल आ जाने दीजिए मुझे थोड़ा सा तेल कम लगा तो मैंने थोड़ा सा फिर से तेल डाला है और थोड़ा सा मैंने रेड चिली सॉस में थोड़ा पानी डाल दिया था और उसमें चलाकर मैंने इसमें डाला है चूल्हा मीडियम पर ही और मैं इसमें उबाल आने दे रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर भी मैंने डाला वो आप ऑप्शनल है नहीं डालना तो कोई बात नहीं हल्का सा इसमें आप देख सकते हैं उबाल आने लगा है और अच्छा सा पक रहा है हमारा कॉनस्ट्राच यानी कि कॉर्नफ्ला तो अब ये जो चिकन पीसेस है वो सारे डाल दीजिए थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन्स की जो हरी प्याज की पत्ती है वो डाल दीजिए बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए चूल्हा मीडियम पर है और इसे सिर्फ़ आधे एक मिनट तक ही मिक्स करते हुए टॉस कीजिए बस उससे ज़्यादा करेंगे ना तो थोड़े से सॉगी हो जाएंगे हमारे जो चिकन पीसेज है आधा एक मिनट जब अच्छे से आप मिक्स कर लें चूल्हे को कर दीजिए बंद चाहें तो फिर से थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियस डाल सकते हैं तो डाल दीजिए बेटर रहेगा और यहाँ आप देख सकते हैं हल्का हल्का साइड से तेल छूटने लगा है तो मैं यहाँ कर देती हूँ चूल्हा बंद क्योंकि एक मिनट हो चुकी है अब इसे गर्मा गर्म सर्व करें प्लेट में निकाल लें सर्विंग बाउल या डिश के अंदर तो ये बन गया हमारा मज़ेदार डिलीशियस इंडो चाइनीज़ रेसिपी जिसका नाम है चिकन चिल्ली बहुत ही मज़ेदार लगती है इसके अलावा मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ इंडो चाइनीज़ बनाई है सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है इनफैक्ट प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप वहाँ चेक कर लीजिएगा सर्व करने से पहले हरी प्याज की पत्ती से कार्निश करना ना भूलिएगा इसी तरीके से आपको और ज़्यादा इंडो चाइनीज़ की रेसिपीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कीजिएगा मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंडो चाइनीज़ रेसिपीज़ बनाकर मेरे चैनल पर अपलोड करूँगी तो है ना मजेदार रेसिपी आज की अगर ये रेसिपी बनाएं तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए ये वाले वीडियो को और उससे ज्यादा अच्छी लगे तो ये वाले वीडियो के लिंक्स अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ आंसर देन टेक केरला